हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर ब्लॉग ऑफ बोथ डॉक्टर आतिश ब्लॉग्स एंड माँ पद्मिनी डेंटल ब्लॉग्स। दिस इज डॉक्टर आतिश कुमार पांडे, दिस साइड बीडीएस एंड डेंटल एंटरप्रेन्योर प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट फ्रॉम द लास्ट 5 years इन ओडिशा एंड द लास्ट ऑलमोस्ट 4 years इन माय ओन क्लिनिक दैट इज माँ पद्मिनी डेंटल केयर। तो दोस्तों, आज मेरा पिछला वीडियो में आप लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड अफेक्शन फॉर मी एंड माई चैनल्स। And I get lots of confidence and support and love from you, so that I can make new videos and I can make sure that you all get both entertained and get informations regarding the things happening all around in the world. So, दोस्तों, आज का टॉपिक जो है, मेरे हंसी से ही आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि आज का एक टॉपिक जो मैंने रखा है वो है एक हिलेरियस टॉपिक। एंड ये क्योंकि मेरे साथ अभी घटा है, कल ही का बात है, तो इसलिए मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहता था कि ऐसे भी कभी होता है। एंड द टॉपिक इज कि माय फादर एक्सट्रैक्टेड हिज ओन टीथ। अभी एग्जैक्टली क्या हुआ कि आई वाज इन संबलपुर फॉर सम फैमिली रीजंस, एंड उसके अंदर में मेरे पापा का अभी रिटायरमेंट हुआ है 10 दिन पहले, तो ही इज नाउ फ्री टू डू एवरीथिंग, क्योंकि वो ही हैज सर्व्ड फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा फॉर लास्ट 38 years सेल्फलेस सर्विस, एंड आफ्टर दैट ही इज रिटायर्ड नाउ। सो वी ऑल वेंट टू आर विलेज, माई फादर, माई मदर एंड मी, फॉर सम फैमिली रीजन्स, सम पूजा वॉज देयर। एंड आफ्टर दैट वॉट हैपेंड कि वी वेर कमिंग बैक टू माई होम टाउन, दैट इज सुंदरगढ़। एंड उसके बाद जब एक्चुअली पापा ने मेरे को विलेज में ये बताया था कि मेरा ग्रॉसली डिकेड है टूथ बोल के, मतलब कि ऐसे ही बताया था लेमन टर्म में कि मेरा दांत थोड़ा सा हिल रहा है, और वहाँ जाने से हम लोग थोड़ा सा तेरे क्लिनिक में जाके वो करवा लेंगे, एक्सट्रैक्शन करवा लेंगे, या जो तेरे ट्रीटमेंट में सही लगे तू कर देना। एंड लेट मी टेल यू, माई फादर हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ ऑल्सो फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट फोर ईयर्स, एंड ही इज़ अंडर मेडिकेशन ऑल्सो। एंड उसके बाद क्या हुआ कि कल ही का बात है, जब हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे, सुंदरगढ़ को आ रहे थे, तो व्हाट हैपेंड कि ही स्टार्टेड टेलिंग मी, मैं जस्ट आगे बैठा था, एक सीट आगे बैठा था, और मेरे पापा और मम्मी पीछे बैठे थे, एंड माई फादर स्टार्टेड टेलिंग मी कि बेटा वो जो दांत जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, तू जो बोल रहा था उसको एक्सरे लेने के बाद उसका ट्रीटमेंट सही ठीक करेंगे, क्या करना है। सो ही टोल्ड कि मेरा ऑलरेडी मतलब अभी हिलना स्टार्ट हो गया है बेटा। तो मेरे को लगा ठीक है, चलो आज तो संडे है, देखते हैं मंडे या फिर संडे इवनिंग में ही हम लोग, या फिर कल इवनिंग में ही हम लोग देख देंगे, एक्सरे लेके मैं देख दूंगा, एंड वी विल डिसाइड व्हाट टू डू विद द टीथ। तो व्हाट हैपेंड कि मेरे अनजाने में मेरे फादर ने अपने मतलब कि अभी डिसइंफेक्टेड हाथ तो होता है नहीं, हम लोगों ने बहुत सारा इधर उधर का चीज़ तो छुआ होता है, उसी हाथ में अपना जो टीथ है वो अपने आप हिलाने लगे मेरे गैर मौजूदगी में, और मेरे को बिना बताए। और कुछ ही ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद मेरे को पापा बोल रहे हैं ऐसे हाथ पकड़ के कि बेटा ये देख मैंने निकाल दिया। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हाउ टू रिएक्ट एट दैट सिचुएशन। मैं ना हंस पा रहा था, ना मैं गुस्सा होने पा रहा था, और बहुत ही हिलेरियस सिचुएशन था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग भी हो रहा था, क्योंकि मैंने जितना मेरे क्लिनिकल डायग्नोसिस से एग्जामिनेशन से मैंने जितना मार्क किया था गांव में कि इट वाज अ ग्रॉसली डिकेड 2-6, एंड उसको आसानी से हम लोग क्लिनिक में निकाल सकते थे, क्योंकि उसमें Grade 1 मोबिलिटी या Grade 2 मोबिलिटी समथिंग वॉज देयर। तो सिंस वी डिंट हैड द इंस्ट्रूमेंट्स, एंड मैंने चेक भी नहीं किया था कि उनका FBS, PPBS, HbA1c कितना है, सो आई वॉज दैट जस्ट थिंकिंग कि वी विल गो एथिकली व्हाइल वी कम टू आर होम, एंड वी विल डू द एक्सट्रैक्शन और वॉट एवर, एंड वी विल प्लेस द ब्रिज और इम्प्लांट वॉट एवर इट टेक्स। बट क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे बस में ही पापा ने कर दिया, तो ना मैं पापा के ऊपर गुस्सा हो सकता था और ना मैं हंस सकता था, क्योंकि मैं उस टाइम हेल्पलेस हो गया था। तो ऐसे सिचुएशंस
मतलब आपके साथ भी कभी कभार हो सकता है कि आपके आप अगर डेंटिस्ट हैं, दिस वीडियो इज मोर लाइकली आई एम मेकिंग फॉर द डेंटिस्ट डेंटल फ्रेटर्निटी टू नो टू मेक श्योर कि आप लोग समझे कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है आपके घर में कि कभी कभार यू आर अ फेलो डेंटिस्ट और मैनी पीपल नो यू एज अ फेलो डेंटिस्ट बट दे वुड बी टेलिंग कि आई डिड लाइक दैट। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माई फादर इज अ क्वैक बट ही डिड समथिंग लाइक दैट, हैविंग अ डेंटिस्ट सन स्टिल ही डिड लाइक दैट, तो विदाउट हैविंग मच पेशेंस। सो मेरा यही कहना है कि ऐसे सिचुएशंस आएंगे, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा आपके इमोशंस को, और कुछ भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे आपके पास कि ट्रीटेड बाय द क्वैक्स, ऐसे ट्रीट कर दिया या कोई रूट छोड़ दिया है एक्सट्रैक्शन के टाइम में, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जैसे कि मैं आपको अपना अभी सिचुएशन बता रहा हूँ। तो बस यही आज का वीडियो था, और एक हिलेरियस सिचुएशन था मेरे लिए। तो आई सॉ ये फाइल, उसके बाद हम लोग क्लिनिक को आए, क्लिनिक में आने के बाद वी सॉ दैट ऑलमोस्ट हीमोस्टेसिस इज अचीव्ड एंड नो नीड ऑफ द कॉटन व्हाट डू यू कॉल गॉजेस ऑल्सो, बट वही मेक श्योर हमने किया कि ही डिडंट टेक एनी टी और समथिंग एंड इट इज ऑलमोस्ट नाउ लाइक इन अ हीलिंग पोजिशन। ही इज टेकिंग सम जेल्स एंड ऑल एंड ही हैज नॉट इवन रिक्वायर्ड, इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड टू टेक द एनाल्जेसिक्स ऑल्सो और एंटीबायोटिक्स ऑल्सो बिकॉज वो जस्ट निकल गया, और एक्सरे भी लेके हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट निकल गया है, उसका रूट भी वो फ्रेगमेंट के साथ ही निकल गया है। तो एवरीथिंग हैपेंड गुड एट द एंड। सो दिस वॉज द वीडियो ऑफ टूडे, आई होप यू वुड हैव गॉट सम एंटरटेनमेंट फ्रॉम दिस, एंड इट वॉज सीरियसली अ हिलेरियस मोमेंट फॉर मी, एंड आई कुडंट इवन नो हाउ टू रिएक्ट एट दैट टाइम। सो इट माइट हैपन विथ यू ऑल्सो, बट मेक श्योर यू हैंडल दिस विथ पेशेंस। मैनी थिंग्स माइट हैपन इन इन आर फ्यूचर, मैनी थिंग्स माइट हैपन इन माई लाइफ ऑल्सो रिगार्डिंग दिस एंड विथ डेंटिस्ट्री कमिंग अप। लाइक इन रूरल विलेजेस दिस हैपन्स वेरी कॉमन बिकॉज दे ऑल डोंट हैव सच इंफॉर्मेशन दैट हाउ शुड दे डील विथ सच टाइप ऑफ थिंग्स, और दे शुड विजिट अ डेंटिस्ट और दे शुड बिकम देयर ओन डेंटिस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक माई वीडियोज, कमेंट ऑन इट, दैट विल मेक श्योर दैट वी हैव अ गुड बॉन्ड बिटवीन अस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। दिस इज डॉक्टर आतिश कुमार पांडे साइनिंग आउट।